आज की हमारी इस क्लास में हम बात कर रहे हैं डैक्स फंक्शन के बारे में। जी हाँ, डैक्स फंक्शन। बेसिकली डैक्स फंक्शन जो है वो बेसिकली दो तरह के, तीन तरह के होते हैं। एक ऐसे फंक्शन जो कि हमारा मेजर्स में होता है कैलकुलेशन, दूसरा जो कॉलम में कैलकुलेशन होता है, तीसरा जो टेबल में कैलकुलेशन होता है। तो वन बाय वन हम इस पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कॉलम के, डेटा के अंदर में कुछ नया कॉलम ऐड करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहले मान लीजिए मुझे अगर ये करना है, कोई कॉलम कैलकुलेट करना है, तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ क्वांटिटी और ये रहा एमआरपी, राइट, और ये हमारा टारगेट। तो बस मुझे ये देखना है कि टारगेट माइनस क्वांटिटी कितना हो, टारगेट माइनस क्वांटिटी में कितना रह गया है या कितना ज्यादा हुआ है। तो यहाँ पे हम डीआईएफ के नाम से कॉलम हेडिंग देंगे, और यहाँ हमने अपना पहला हेडिंग दिया। और जब भी कोई टाइप करेंगे ना, जनरली हम यहाँ पे टाइप करेंगे और एरो से सेलेक्ट करेंगे, पूरा इकट्ठे मत टाइप कीजिए। फिर डैश दे के मैंने अपनी जो फील्ड है क्वांटिटी उसको सेलेक्ट करके और प्रेस कर दिया, तो यहाँ देखिए आपके सामने डेटा आ गया। इस तरह से माइनस प्लस मल्टीप्लाई जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है वो आप आसानी से करेंगे। इसके बाद इसमें एक फॉर्मूला जो नया आया है वो आया है रो नंबर। चलिए देखते हैं रो नंबर क्या करता है। जैसे नाम से है आर डब्ल्यू की, रो नंबर देना चाहिए, रो नंबर ब्रैकेट ओपन रो रो नंबर। रिलेशन, ये रो नंबर अलग फॉर्मूला है, ये नया फॉर्मूला आया है जो कि रिलेशन देता है। ओके एक मिनट, मैं इसको ओपन क्लोज कर देता हूँ सिर्फ। तो रो नंबर बेसिकली एक दूसरे को रिलेट करके देगा इसमें। इसके बारे में बताता हूँ। इसमें जैसे कि हमने आपको इफ कंडीशन बताया था कि इस पे आप इफ कंडीशन भी लगा सकते हैं कि इफ अगर हमने दिया डी आई एफ इज ग्रेटर देन 0 तो यहाँ पे ओके आए, अदरवाइज पेंडिंग है। इस तरह की इफ कंडीशंस आप लगा सकते हैं। इफ में आप एंड और भी इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि हमने पिछली कई क्लासेस में बताया। ओके अब कुछ फॉर्मूले हैं जो कि यूज होते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीगेट फंक्शन। एग्रीगेट फंक्शन जो कि एक राउंड में यूज होते हैं। जैसे कि मुझे मान लीजिए एवरेज निकालना है, तो जनरली तो हम यहाँ पे लिया और इसकी मैंने यहाँ पे रखे, और मान लीजिए कोई फील्ड है, मुझे मान लीजिए एमआरपी का एवरेज चाहिए, तो मैंने एमआरपी का एवरेज रखा और यहाँ है सम ऑफ एमआरपी की जगह पे एवरेज कर देते हैं। बट कई बार क्या होता है कि मुझे एवरेज के साथ कैलकुलेशन करके अमाउंट निकालना है, कितनी क्वांटिटी हुआ और एवरेज अमाउंट से, कितनी अमाउंट से कैलकुलेट करने पे टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हो, तो कुछ कैलकुलेशन करना होता है, तो मेजर्स के अंदर में हम इसका यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन मोस्टली जो है यूज होता है इसमें मेजर्स। तो हम एवीजी अमाउंट कर, अब यहां पे लगाते हैं एवरेज, एवरेज और एवरेज के अंदर में हम लेते हैं एमआर, और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं सम सम, और सम के अंदर में हम देते हैं क्वांटिटी, और यहाँ पे एंटर प्रेस किए तो ये देखिए 1 मिनट, 0 लग गया, एंटर की जरूरत है। तो यहां पे हम इसको फिल हटा के इसको रख, इस तरह के जो मैनुअल कैलकुलेशन होता है उसके से यूज करते। कुछ तरह से मान लीजिए मुझे काउंट चाहिए, तो मैं काउंट भी लगा देता हूँ, न्यू मेजर्स पे क्लिक करके काउंट
काउंट पे लगाया जाता है, तो कि काउंट, तो यहां पे काउंट, काउंट में दो चीजें, एक तो है आपका काउंट जो कि सिर्फ नंबर काउंट करता है, एक होता है काउंट ए जो कि नंबर और टैक्स दोनों को काउंट करता है, काउंट ए। अब बोलेंगे यहां पे हम काउंट रो करना चाहे, हम चाहते हैं कि टोटल जन हमारा कितना ये हुआ है, बिलिंग हुआ है, कितना इनवाइस जनरेट हुआ है, मुझे ये पता करना है, तो यहां हम न्यू मेजर्स पे आएंगे और यहां पे सी बी कर देते हैं, काउंट रो, काउंट रो, काउंट ब्लैंक, कॉलम के अंदर कितने ब्लैंक है वो काउंट कर देगा। अब यहां पे आता है काउंट रोज, तो ये आपका काउंट रोज कर देगा इसके अंदर, तो काउंट रोज में मुझे देना है अपना फील्ड नेम, किस फील्ड का चाहिए मुझे, तो आईडी हमने यहां पे ले लिया सीट, सीट टेबल नेम देना आपको, ये देखिए यहाँ पर रखे, बता देगा रो, रो काउंट करेगी 9650। अब कुछ आते हैं इस तरह से, आपका मैक्स है, आपका मैक्स निकाल देगा, मिन है, मिन निकाल देगा, सम सम निकाल देगा, ये एग्रीगेशन फंक्शन होता है। तो एवरेज हो गया, काउंट हो गया, मैक्स हो गया, मिन हो गया, सम हो गया, प्रोडक्ट हो गया, प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद आता है डिस्टिंक्ट काउंट, डिस्टिंक्ट काउंट में क्या है कि मेरे डेटा में देखिए हमारे पास सेल्स ऑफिशियल नेम, बट एक नाम कई बार रिपीटेड है, मुझे क्या चाहिए कि यहां पे एक नाम सिर्फ एक बार चाहिए, तो मुझे यहां पे हेड काउंट मान लीजिए काउंट करना है कि टोटल हेड काउंट कितने है, हेड काउंट, हेड काउंट में मैं यहां पे लिख दूंगा काउंट डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट काउंट होता है, डिस्टिंक्ट काउंट, और डिस्टिंक्ट काउंट में मैंने ले लिया अपना मान लीजिए एसओ, ये आपको हेड काउंट दे दिया। अब इसको शो करने के लिए मुझे क्या चाहिए, कोई कार्ड रखना होगा, इसके ऊपर हम हेड काउंट रखेंगे, तो काउंट बता देगा टोटल 13 और हेड काउंट, ऐसे कर सकते हैं। अब इसमें होता है कि इसमें अगर कोई ब्लैंक हुआ ना डिस्टिंक काउंट में, तो ब्लैंक को भी काउंट कर, लेकिन इसी में डिस्टिंक काउंट में होता है आपका डिस्टिंक काउंट नो ब्लैंक, ठीक है, डिस्टिंक काउंट नो ब्लैंक भी क्या करेगा, ब्लैंक को काउंट नहीं करेगा। अब इसमें अबारी आती है, इसमें हमने एवरेज ले लिया, काउंट ले लिया, सम ले लिया, मैक्स ले लिया, लेकिन अगर मुझे मैक्सिमम नंबर अगर चाहिए तो क्या हो, जैसे कि लास्ट क्लास में आपको मैंने सम एक्स पढ़ाया था फिल्टर के साथ, तो उसी तरह से यहां भी इसका यूज हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि मुझे इस यहाँ पे ग्रेटर देन 50 का क्वांटिटी का, ग्रेटर देन 50 क्वांटिटी का टोटल अमाउंट पता करना है, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ 50 से ऊपर वाली क्वांटिटी का, तो इसको लगाने का दो तरीके हैं, मैंने तो दोनों तरीके बताया था आपको लास्ट क्लास में। पहला था कि मैं यहां कैलकुलेट का फंक्शन लूंगा, क्या कैलकुलेट के फंक्शन के अंदर मैं दूंगा सम, सम के अंदर मैं दूंगा क्या सम करना है, तो मुझे सम करना है मान लीजिए अमाउंट, अमाउंट ऊपर होगा अमाउंट नहीं इसके अंदर, प्रॉफिट अच्छा है तो अमाउंट उसे दिखा नहीं मुझे ना, यहाँ पे कोई मेजर्स में आते हैं ग्रेटर देन 50 कैलकुलेट सम, सब में हमने ले लिया अमाउंट और यहां पे हमने लिया क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50, एक तो ये तरीका है, तो ये तरीका सिर्फ मेजर्स में यूज किया जाता है।
लेकिन क्या होता है, अब इसको एक कार्ड पर रखेंगे तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आपको आ जाएगा। काम नहीं करता है क्या? अनुला क्या करता मार्जिन मेथड इसमें काम नहीं करता? है कि नहीं करता है? दो फॉर्मूला मर्ज नहीं किया आप यहां पे, देखिए यहां पे हमने कैलकुलेटर फंक्शन में सब नहीं डाला हुआ है, एक और देते हैं यहां पे, अलग अलग कॉपी पेस्ट वाला नहीं होगा सर इसमें, इसमें एक साथ लगा रहा हो। अब जैसे कि यहां पे दूसरा है हमारा कि मैं लेस देन 50 क्वांटिटी वाला का टोटल चाहिए, 50 क्वांटिटी जो रेंज का, तो इसमें हम कैलकुलेट ना लगा के हम लगाते हैं सम एक्स, जो कि लास्ट क्लास में बताया था सम एक्स। इसमें हम लगाएंगे फिल्टर फॉर्मूला, फिल्टर के अंदर हम लगाएंगे अपना डेटा को है सीट वन, और इसके अंदर हम देंगे कि क्वांटिटी इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 50, फिर कॉमा मुझे यहाँ पे अमाउंट का टोटल निकालना है, एंटर प्रेस करेंगे तो आप लेस देन 50 वाले टोटल यहाँ आ जाए। तो जैसे मैंने यहाँ पे सम एक्स क्या करेगा सर? सम इफ यू वाला सर सम एक्स क्या करेगा सर? और फिल्टर लास्ट क्लास में हम नहीं देखे थे क्या आपने? लास्ट में समझाया तो था नहीं। इस चीज में, जो रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या हुआ, फिल्टर फॉर्मूला क्या करता है कि डेटा फिल्टर करके देता है, तो इसने क्या किया कि सीट वन में से ग्रेटर देन लेस देन 50 वाले जितना डेटा था वो डेटा सम एक्स को दिया, फिर सम एक्स क्या करता है उसके अमाउंट वाले कॉलम का टोटल निकाल के देता है। जैसे सम एक्स करता है उसी तरह से आप सम एक्स की जगह पे आप काउंट एक्स भी कर सकते हैं। काउंट एक्स क्या करेगा, काउंट एक्स ये आपको काउंट निकाल के देगा। सेम उसी तरह से अगर आप मैक्स एक्स लेते हैं तो मैक्स एक्स क्या करेगा, आपको मैक्सिमम नंबर देगा। उसी तरह से अगर आप अगर हम करते हैं मिन एक्स, ठीक है, मिन एक्स क्या करेगा, आपको मिनिमम निकाल के देगा। ऐसे अगर हम एवरेज एक्स करेंगे तो आपका एवरेज निकाल के देगा। तो ये सारे एग्रीगेशन फंक्शंस को बोला जाता है जिसमें सिर्फ एक टोटल नहीं, टोटल फिल्टर करके आपको देता है। ऐसे प्रोडक्ट एक्स करेंगे तो मल्टीप्लाई करके दे देगा आपको। क्लियर है सबको डाउट इसमें? सर यदि अलग अलग रो को ऐड करना हो तो कैसे होगा? क्या अलग अलग रो मतलब? जैसे मान लीजिए कि जो डेटा में मुझे सभी को ऐड नहीं करना है, जैसे एक सेल में होता है ना अलग अलग सेल को, नहीं यहाँ नहीं होता, एक जब सेल में सब जो कैलकुलेशन यहाँ करना ध्यान रखिएगा पावर है। बीआई के अंदर में जो भी कैलकुलेशन होगा वो एक कॉलन पे हो, एक पर्टिकुलर इस तरह से रो पे नहीं होगा। बात समझ में आया? ये किसी रो को नहीं समझता, ये समझता है पूरी के पूरी कॉलन को, जो भी काम करेगा वो कॉलन पे ही करेगा, उसके नीचे कोई और काम नहीं करेगा। उसके बाद इसमें अलग अलग कैलकुलेशन, जैसे डेट की कैलकुलेशन के देख ले, मैं डेट कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ। जैसे मेरे पास डेट है, अब मुझे डेट में से कुछ अलग करना है, जैसे मान लीजिए मुझे ईयर अलग करना है, तो आप सिंपल सा डेट लिखेंगे ना, ये डेट कॉलम लेंगे कि भाई सीट वन का डेट, सीट वन का डेट, तो आप क्या ऑप्शन देगा कि आपको डे चाहिए, मंथ चाहिए, ईयर चाहिए, क्या चाहिए, तो ईयर सेलेक्ट करके एंटर मारेंगे तो जस्ट ईयर ही अलग करके देगा, मंथ करेंगे तो मंथ ही अलग करके देगा, या फिर आप यहाँ पे ईयर का फॉर्मूला लगाइए और इसमें आप डेट को सेलेक्ट कर लीजिए तो ये आपका ईयर अलग कर देगा डेट। एक तो आगे डेट से जो लेना है ले लीजिए, दूसरा आप फॉर्मूले के जरिए लेंगे। जैसे ईयर लिया, जैसे यहाँ पे मैं मंथ करूँ तो यहाँ मंथ आ जाएगा, मंथ अलग हो ले लेगा। अगर ऐसे मान लीजिए डे करूं तो डे इसमें से ले लें,
या फिर आप फॉर्मेट फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हैं, ये फॉर्मेट, और फॉर्मेट के अंदर में यहां पे आप डीडी सॉरी डेट लीजिए, यहां पे सीट वन डेट, और यहां पे दे दीजिए डीडीडी स्लैश एमएमएमएम एन वाई वाई, इसमें से पर्टिकुलर डेट अलग। ओके उसी तरह से मान लीजिए कि यहाँ पे अलग अलग डेट मंथ डाला है, तो आप यहाँ डेट फॉर्मूले से इकट्ठा कर सकते हैं। डेट लगा दिया आपने, इसमें 2023 12 महीने 25 तारीख करेंगे तो आप देखेंगे कि एक डेट बन गया, ठीक है। अब इसमें एक चीज और भी होती है कि मान लीजिए कि ये डेटा है और मुझे एक डेटा चाहिए, मैं एक अलग टेबल पे मैं दिसंबर महीने का पूरा डेट चाहिए, मान लीजिए दिसंबर महीने का पूरा डेटा मुझे कॉपी यहाँ पे लेके आना है कि दिसंबर महीने के अंदर में क्या सेल हुआ है, ठीक है, एक अलग डेटा लाना चाहता हूँ तो मुझे मुझे डेट चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम टेबल टूल्स पे जाते हैं, अब आते हैं टेबल, अब कुछ ऐसे फॉर्मूले जिसके मल्टीपल रिजल्ट होते हैं वो टेबल में होते हैं, यहाँ पे न्यू टेबल पे क्लिक करना हो, और यहाँ पे मान लीजिए कि मुझे दिसंबर के नाम से बनाया मैंने, और यहाँ हमने क्या कर दिया कैलेंडर नाम का फॉर्मूला लगा, कैलेंडर स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट में आप डेट का फॉर्मूला लगा दीजिए, बोले कि 2023 कौमा 12 महीना कौमा पहला, एंड डेट में वापस डेट लगा दीजिए कि 2023 12 महीना और 31 तारीख, इसके बीच के जितने भी डेट होंगे ना वो डेट यहां आपको आगे सर। अब इस पे आगे सम इफ काउंट इफ जैसे फंक्शन लगा के आप अपने फॉर्मूले लगा सकते हैं। इसके बाद दो डेट का बीच का अगर डिफरेंस निकालना है इंटरवल तो आप निकाल सकते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं आता हूँ वापस अपने डेटा में, कि यहाँ पे ये डेट डली हुई है और आज की डेट में लेके मुझे देखना है कितने नंबर ऑफ क्या डिफरेंस क्या है। मान लीजिए तो न्यू कॉलम पे आता हूँ, अब यहाँ पे डिफरेंस निकालते हैं डी टी डी आई एफ, यहाँ पे हम लगाते हैं फॉर्मूला डेट डी आई एफ जैसे एक्सेल में होता था उस तरह से, यहाँ पे स्टार्ट डेट है हमारा डेट सी टू वन का डेट, और एंड डेट में मैंने डाल दिया टुडे, इसके अंदर टुडे फॉर्मूला होता है जो कि करेंट सिस्टम डेट देता है। अब आती है इंटरवल क्या चाहिए, तो मुझे चाहिए टोटल नंबर ऑफ मंथ कितना होगा, तो मंथ सेलेक्ट करेंगे तो आपका यहाँ देखिए मंथ आ गया, टोटल 47 मंथ हुआ, ईयर रखेंगे ईयर, क्वार्टर करेंगे तो क्वार्टर, मंथ करेंगे तो मंथ, ये सारा आपको आ जाए। राइट सर, बाकी एक्सेल के जितने भी फॉर्मूले डेट के हैं वो डेट के फॉर्मूले इस पे वर्क करते हैं। इसमें आता है टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूला, टाइम इंटेलिजेंट फॉर्मूला इसमें आता है, टाइम इंटेलिजेंट में सिर्फ टाइम ही नहीं होता पर डेट भी होता है, तो इसमें बहुत सारे फॉर्मूले आपको दिखेंगे, जैसे कॉलम के लिए मैं चाहता हूँ डेट ऐड, हम किसी डेट में पर्टिकुलर दिन ऐड करना चाहते हैं डेट ऐड फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे
एक साल मुझे जोड़ना है या घटाना है, तो डी टी ए डबल डी, यहां पे हमने लिख दिया डेट ऐड। डेट ऐड के अंदर में हम डेट डालते हैं अपना, जो डेट है, डेट जो है हमारा सीट वन पे क्या हो गया कीबोर्ड को डेट। और मैं इसे मान लीजिए दो साल जोड़ने, कौन सा, तो दो साल ईयर जोड़ने, तो 2000 देखिए यहाँ पे दो साल बाद का डेट है आपको यहाँ पे आ गया, डेट ऐड फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब आता है डेट बिटवीन, कि दो डेट का बीच का जो डे कॉलन है वो अब आपको चाहिए, इसको बोलते हैं डेट बिटवीन। जैसे मैं चाहता हूं कि यहां पे बहुत सारे डेट डले हुए हैं, तो मैं इसका लोअर डेट और अपर डेट के सारे बीच के डेट चाहिए, लेकिन ये मल्टीपल रिजल्ट है, जाहिर सी बात है आपका एक टेबल में आए, तो न्यू टेबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डी टी बी टी कर देते हैं, यहाँ पे डेट बिटवीन। अब डेट बिटवीन में यहाँ पे आपको देना होता है डेट, तो डेट में हमने डेट का कॉलम दे दिया अपना, जो डेट का कॉलम है सीट का। फिर आता है स्टार, स्टार डेट में हमने बोला मिन, मिनिमम के अंदर में हम सीट का वही डेट देते हैं। फिर आता है मैक्स एंड डेट, यहाँ पे हमने अपना एंड डेट में मैक्स और यहाँ मैसेज। इसके अंदर एक डेट सिर्फ एक बार, जैसे मान लीजिए कि आपका डेट कोई ऐसा है कि कोई दिन नहीं है, ब्लैंक है, तो वो डेट आप यहां से ले सकते हैं। कभी कभी क्या होता है पूरे महीने का डेट आया, तो डेटा में जिस दिन सेल हुई है ना उसी दिन का आपको डेटा आया, जिस दिन सेल नहीं हुई है उस दिन का डेटा नहीं आया, लेकिन आप चार्ट पे जिस दिन सेल नहीं हुई है उस दिन का डेटा को ब्लैंक दिखाना चाहते हैं, तो यहाँ पे डेट होना चाहिए ना, तो डेट निकालने का काम ये करता है। ठीक है सर, ऐसे और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज है, अब इसको ऐसे पढ़ने से नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम बताया कि 80% फॉर्मूलेज वही है जो कि एक्सेल के फॉर्मूलेज है, और मैंने पीडीएफ भी आपको शेयर किया था पढ़ने के लिए, तो आपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर, कल की क्लास में हम बात करेंगे डैक्स क्यूरी के बारे में, हमने भी डैक्स फंक्शन पढ़ा, अब बात करेंगे डैक्स क्यूरी। तो इस तरह से कई सारे फंक्शन लगा के डैक्स क्यूरी बनाया जाता है, ये हम आपको कल की क्लास में पढ़ाएंगे।